तो आखिरकार गुजरात के बाद आईपीएल की दूसरी नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी डेब्यू सीजन में अपना पहला मैच जीत लिया है। 211 जैसे मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए केएल राहुल की टीम इस स्टाइल से मैच खत्म करने में कामयाब हुई है। ऐसा कभी कभार ही देखने को मिलता है कि राहुल की टीम एक करीबी मुकाबले को विनिंग साइड पर रहकर खत्म करे, पर मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में ये नज़ारा देखने को मिला है। चेन्नई सुपर किंग्स जैसी मजबूत टीम के खिलाफ मुकाबला अंत तक चला गया था। 18वें ओवर तक तो ऐसा लगा जैसे लखनऊ के लिए मैच जीतना मुश्किल होगा, लेकिन अंतिम दो ओवर में खेल का पासा ऐसे पलटा कि सुपर जायंट्स ने एक जायंट परफॉर्मेंस देकर मुकाबले को 3 गेंद बाकी रहते ही अपने नाम कर लिया। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताते हैं कैसे अंतिम 12 गेंदों में लखनऊ ने मार ली बाजी और सीएसके को थमा दी है करारी हार। दोस्तों, केएल राहुल की कप्तानी में उनकी टीम एक करीबी मुकाबला जीतने में कामयाब रही है। ऐसा सुनकर आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि फंसे हुए मैच में ज्यादातर राहुल की टीम हारे हुए साइड में दिखाई देती है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक नई कहानी लिखी गई। दोस्तों, मुंबई के ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम में कप्तान राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, क्योंकि दूसरी पारी में ओस पड़ने की वजह से बल्लेबाजों को मदद मिलती है। लेकिन यहां तो पाटा विकेट पर सीएसके के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर डाली। टीम के लिए ओपन कर रहे रॉबिन उथप्पा ने महज 25 गेंदों में 200 के स्ट्राइक रेट से अर्धशतक लगा दिया। वहीं शिवम दुबे ने भी 49 रन बनाए, जबकि रायडू और मोइन अली को भी अच्छे स्टार्ट मिली। तो वहीं अंत में महेंद्र सिंह धोनी और कप्तान रविंद्र जडेजा ने फिनिशिंग टच देते हुए सीएसके को 210 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया था। ऐसे में 211 का लक्ष्य देखने को जितना बड़ा लग रहा था, लखनऊ के बल्लेबाजों ने धमाकेदार बल्लेबाजी से उसे उतना ही छोटा साबित कर दिया। कप्तान राहुल ने शुरुआत में डेकॉक के साथ मिलकर 10 ओवर में ही 99 रनों की साझेदारी कर डाली। हालांकि राहुल 40 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन क्विंटन डेकॉक ने अर्धशतक लगाया, लेकिन 45 गेंदों में 61 रनों की शानदार पारी खेलकर वो भी आउट हो गए थे। मनीष पांडे और दीपक हुड्डा भी ज्यादा देर क्रीज पर समय नहीं बिता सके और 18वें ओवर तक लखनऊ के 4 खिलाड़ी पवेलियन पहुंच चुके थे। इस दौरान सीएसके के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी कराकर लखनऊ के लिए मुश्किलें बढ़ा दी थी। प्रिटोरियस ने अपने पहले ही आईपीएल मैच में 4 ओवर में सिर्फ 31 रन देकर 2 विकेट झटक लिए थे, तो वहीं ब्रावो ने भी 1 विकेट अपने नाम किया था, जिसके बाद लखनऊ के लिए सारी जिम्मेदारी वेस्ट इंडियन के पावर हीटर लेविस के कंधों पर आ गई थी। हालांकि लेविस अब तक 30 से ऊपर रन बनाकर सेट हो चुके थे और काफी आक्रामक मोड में बल्लेबाजी कर रहे थे। इस दौरान युवा बल्लेबाज आयुष बदोनी भी आ चुके थे, जिन्होंने गुजरात के खिलाफ पहले मुकाबले में अर्धशतक ठोक कर काफी सुर्खियां बटोरी थी। मामला इतना रोमांचक हो गया था कि अंतिम 12 गेंदों पर लखनऊ को जीत के लिए 35 रन बनाने थे, यानी देखा जाए तो सीएसके की तरफ से मैच झुका हुआ था। लेकिन शायद कप्तान जडेजा से बॉलिंग में एक मिसकैलकुलेशन हो गई, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ गया। दरअसल अंतिम 2 ओवर में गेंदबाजी कराने के लिए सीएसके के पास कोई स्ट्राइक गेंदबाज का ओवर नहीं बचा था। ऐसे में 19वां ओवर उन्हें शिवम दुबे को देना पड़ा, जिन्होंने पूरे मैच में 1 ओवर की गेंदबाजी भी नहीं कराई थी। हालांकि शिवम टीम में एक ऑलराउंडर की हैसियत से खेल रहे थे और पहले भी तेज गेंदबाजी कर चुके हैं। ऐसे में चेन्नई ने उस ओवर में शिवम के ऊपर एक दांव खेला, पर लेविस और बदोनी ने चेन्नई की इस पैंतरे को फेल करते हुए ओवर में 26 रन जड़ दिए, जहां बदोनी ने पहली ही गेंद को स्टैंड्स में भेजकर ओवर की शानदार शुरुआत करी, तो वहीं लेविस ने भी 2 चौका और 1 छक्का लगाकर स्टाइल से अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर अंतिम 6 गेंदों में लखनऊ को जीत के लिए महज 9 रन बनाने रह गए। वहीं मुकेश चौधरी के अंतिम ओवर में आयुष बदोनी ने पहली गेंद पर छक्का और इसके बाद विनिंग शॉट लगाकर 211 रनों का बड़ा लक्ष्य 3 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से एक धमाकेदार जीत दिला दी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या लखनऊ की टीम टॉप 4 में जाने का दमखम रखती है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।